नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, बड़ी खबर निकल कर आ रही है दमोह जिले के पथरिया से, जहां पर 2.5 साल के मासूम की करंट लगने से दर्दनाक मौत हुई है। दरअसल हम आपको बता दें कि पथरिया थाना अंतर्गत ग्राम पुरा पायरा के अंतर्गत ये मामला है, जहां पर 2.5 साल के बालक जो है सिंचाई के तार से करंट लगने से जिसकी मौत हो गई है। तत्काल ही परिजन जो है उसको जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बहुत ही दुखद हादसा हुआ है ये पथरिया में। मृतक मासूम के परिजनों ने जानकारी दी है कि वह अपनी दादी के साथ घर में था। दादी घटना के समय शौच क्रिया के लिए गई हुई थी, इसी दौरान वह तार की चपेट में आया, क्योंकि तार जो है तेज हवा के झोंके के कारण नीचे गिर गया था और बच्चा उसकी चपेट में आया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद आनन फानन में मासूम के परिजन जो है दमोह जिला अस्पताल में उसको लेकर आ, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पथरिया पुलिस थाने को सूचना मिली और इस संबंध में पथरिया थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे ने बताया है कि पथरिया पुलिस द्वारा पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया, वो मार्ग कायम कर मामले को संज्ञान में लिया गया है। सुनिए जरा इस मामले में क्या कहना है पथरिया थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे का। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि नमन पिता रमेश सिंह गोड़ 2.5 साल का बालक है, ये घर पे था। इसके साथ सिर्फ उसकी दादी थी, बाकी घर के सभी सदस्य खेत में काम करने के लिए गए थे और वहीं खेत मकान बना था। ये 2.5 साल का बच्चा जा रहा था, घूम रहा था ऐसे, वहाँ से तार पड़ी थी, ये सिंचाई वाली पानी की सिंचाई थी, वो तार पड़ी थी, इसने तार पकड़ लिया था हाथ से, जिसमें ये करंट के झटके से इसकी मौत हो गई थी। शाम को इसके परिजन दमोह जिला अस्पताल ले गए थे, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया था। इसके बाद आज लाके उस पर रिपोर्ट हुई है और सम्पर्क कायम कर मामले को जांच में लिया गया। बहरहाल ऐसे मामलों से हर माता पिता को एक सबक जरूर लेना चाहिए कि उनका बच्चा अगर बाहर या घर के आंगन में खेल रहा है तो उस पर बराबर नजर रखी जाए।